तो स्वागत है आप सभियों का राइट डायरेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज ऋषिकेश और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है महाराष्ट्र लॉ सीईटी 5 ईयर्स का फॉर्म फिलिंग कैसे करना है। तो जैसे आप लोग जानते हैं 5 ईयर्स लॉ सीईटी की एग्जामिनेशन ये 2 अप्रैल को कंडक्ट होने वाली है और इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। ये जो डेट है ये 1 मार्च से लेके 11 मार्च तक होने वाली है। तो सीईटी सेल ने ऑलमोस्ट 11 दिन का टाइम आपको दिया है फॉर्म फिलिंग करने के लिए। तो दिस इज गोइंग टू बी अ स्टेप बाय स्टेप गाइड कि एक्चुअली हाउ टू फिल दी फॉर्म। और ये पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए और उसके बाद आप आपकी फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको google.com ओपन करना है और वहां पे यू टू टाइप स्टेट सीईटी सेल। अब ये जो पहली वाली लिंक ओपन हुई है दैट इज ऑफिशियल वेबसाइट, यू टू क्लिक ऑन दैट वेबसाइट। यहाँ पे 3 ऑप्शन आए हैं, क्लिक हियर टू सीईटी पोर्टल एग्जामिनेशन एकेडमिक ईयर 2023-24। बाकी के जो ऑप्शन है कैप राउंड के वगैरह वो सब ऑप्शन अभी फिलहाल हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, तो यू हैव टू क्लिक ऑन दी फर्स्ट ऑप्शन। अब आप यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीईटी सेल कंडक्ट करती है, तो उसमें से हमारे मतलब वाली एग्जामिनेशन 2 है, महाराष्ट्र LLB 5 ईयर सीईटी और महाराष्ट्र LLB 3 ईयर सीईटी। फिलहाल 3 ईयर्स का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ नहीं है, ऐसा ये अंदाजा है कि इसकी फॉर्म फिलिंग 15 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। तो 5 ईयर्स का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है, तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। अब यहाँ पे आप देखिए कि ऊपर एक स्क्रोल चल रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ LLB 5 ईयर सीईटी 2023 हैज स्टार्टेड एंड इट विल बी लाइव फ्रॉम 1 मार्च टिल 11 मार्च। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, यू हैव टू क्लिक ऑन दी न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इंग्लिश और मराठी दोनों लैंग्वेजेस में है। आप इसको पढ़ सकते हैं, आपने एक बार एटलीस्ट पढ़ना चाहिए। यू टू क्लिक ऑन दिस दिस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स दैट यू हैव रेड ऑल दी टर्म्स एंड कंडीशन एंड इसके ऊपर आप आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड क्लिक करना। ठीक है, आपने इसको क्लिक कर दिया। अब आप देखिए कि ये फॉर्म फिलिंग जब भी मैं फिल कर रहा हूँ तो आई विल बी यूजिंग ऑल दी डिटेल्स इन द नेम ऑफ टेस्ट। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो वीडियो है यूट्यूब पे है तो इसमें हम लोग पर्सनल डिटेल्स नहीं डाल सकते हैं, तो इसके लिए मैं जहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी है वहाँ पे टेस्ट ये पर्टिकुलरली चीज डालूंगा। लेकिन यू हैव टू टाइप योर एंटायर डिटेल्स, ट्रू एंड बोनाफाइड डिटेल्स। ठीक है, तो कैंडिडेट्स फुल नेम, आपको जो भी पर्टिकुलरली नेम है, जैसे 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड के मार्कशीट के ऊपर आपका जो नाम है वो आपको डालना है। तो योर फर्स्ट नेम, देन योर सरनेम एंड देन फादर्स नेम। ठीक है, फिर यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट है, आपके फादर का पहला नाम भी अगर आप डालोगे तो भी चलेगा, तो इज द केस विथ मदर से। ठीक है, जेंडर विच एवर इज एप्लीकेबल, आपको इसको एक बार कंफर्म करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ, लेट अस अज्यूम कि इसको हमने 2000 डाल दिया जनवरी, मैं एक हाइपोथेटिकल डेट डाल रहा हूँ। ठीक है, January 1, 2000। ओके, नाउ यहाँ पे जो रिलीजन है वो आपको ठीक से सिलेक्ट करने हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी इंडिजिनस फेथ ज्यूज एंड अदर्स। ठीक है, तो विच एवर इज एप्लीकेबल यू कैन सिलेक्ट दैट रीजन टू विच यू बिलोंग। अब आपको ये देखना है कि आप जिस एरिया में रहते हो, वेदर इट हैज अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और इट हैज अ ग्राम पंचायत। अगर वहाँ पे ग्राम पंचायत वगैरह है तो आप रूरल डालेंगे, अगर वहाँ पे नगर परिषद या नगर पालिका या महानगर पालिका है तो आप अर्बन डालेंगे। आपकी जो मदर टंग है वो आपको डालनी है। अब यहाँ पे अगर मान के चलिए कि आपकी मदर टंग गुजराती हिंदी मतलब अदर देन मराठी है तो आप इसको केयरफुली डालना, क्योंकि आगे जाके अगर आपको लिंग्विस्टिक बेसिस का रिजर्वेशन क्लेम करना है तो दिस पर्टिकुलर डिटेल्स में भी एप्लीकेबल। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि अगर मुझे मेरी मदर टंग हिंदी है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, आगे जाके हिंदी इज अ माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी महाराष्ट्र में, तो मैं उसका रिजर्वेशन क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने मराठी डाल दिया और आगे मैं अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्लेम कर रहा हूँ तो वो मुश्किल हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर मदर टंग जो है ट्रू वही आप डालना। ठीक है, मदर टंग हमने डाल दिया। अब यहाँ पे राष्ट्रीयत्व ऑब्वियसली इंडियन या विच एवर माइट बी एप्लीकेबल इन 99.99% ऑफ द केसेस द नेशनलिटी विल बी इंडियन। नाउ यहाँ पे आपको डिटेल में एड्रेस डालना है। ठीक है, स्टेट जिस स्टेट्स को आप बिलोंग करते हैं फिलहाल, ठीक है, महाराष्ट्र, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, लेट अस अज्यूम थाने, उसके बाद तालुका, इसमें थाने ऑप्शंस आता है। ठीक है, अंबरनाथ भिवंडी कल्याण मुरबाड़ शाहपुर थाने एंड उल्लासनगर, आई हैव क्लिक्ड ऑन थाने। देन यहाँ पे
ये कहाँ पे आता है, मतलब एग्जैक्टली उसका जो विलेज है या उसकी जो बाउंड्रीज है वो कौन से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आती है? तो यहाँ पे मैंने थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डाल दिया है, आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। पिन कोड आपको डालना है 400601। टेलीफोन नंबर ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, अगर है तो डालिए, नहीं तो इट इज ओके। मोबाइल नंबर आपको ट्रू बोनाफाइड डालना है, तो यहाँ पे हम लोग एक बोनाफाइड नंबर डाल रहे हैं, ठीक है। ईमेल आईडी आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेट अस अज्यूम यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। ओके, इज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस सेम एज परमानेंट एड्रेस? अभी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई के लिए पुणे में है या मुंबई में है, लेकिन उनका जो परमानेंट एड्रेस है वो सातारा या फिर कोल्हापुर का है। तो इन दैट सिचुएशन अगर ऐसा है तो आप इसको नो करिए, और आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, मतलब जहाँ पे आप फिलहाल रह रहे हो या मोस्टली आप वहाँ पे अगर कुछ वार्तालाप करना है, पत्र व्यवहार करना है, सीटी सेल को कुछ चीज़ें आपके कम्युनिकेशन को भेजनी है, तो वो एड्रेस कौन सा रहेगा वो आपको डालना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप इसको यस कर देना, ठीक है। आपको पासवर्ड चूज करना है, इट कैन बी एनीथिंग। जैसे मैं एक हाइपोथेटिकल कुछ पासवर्ड डाल रहा हूँ, इसमें यू हैव टू टेक केयर कि ये सब इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लेना, ठीक है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ज्यादातर लोगों को पता चल जाएंगी। ओके, नाउ यू हैव टू एंटर दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी पिन 5ZEVE, सेव एंड प्रोसीड। ओके, अब यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वो ऑलरेडी मैंने मेरी फॉर्म फिलिंग करने के टाइम पे यूज की है, तो आई हैव टू क्लिक ऑन अनदर ईमेल आईडी। लेट अस अज्यूम मैं इसको एक दूसरा ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये ड्यूप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से आपको पासवर्ड टाइप करना है, एंड ANAZ, सेव एंड प्रोसीड। आप जहां पे ये सेव पासवर्ड ऑप्शन आता है तो यहाँ पे आपने सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि आगे जाके अगर आप कहीं पे भूल भी जाते हो तो इसको आपको याद रहने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सेव कर देना। अब आपका जो मोबाइल नंबर आपने डाला है वहां पे यू विल रिसीव दी ओटीपी। या दिस ओटीपी मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, 970292। ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन वेरीफाई ओटीपी। अब ये एप्लीकेशन नंबर जो आया है इसको आपको कॉपी करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे जो भी पासवर्ड है, ठीक है, जो भी पासवर्ड मैंने लिखा है test@123 वो आपने डाल दिया, ठीक है। अब इसको आप पहले कॉपी करेंगे, फिर प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। यहाँ पे आपने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, और जो पासवर्ड है वो आपने डाल दिया जो आपने क्रिएट किया है अभी अभी। नाउ यू हैव साइंड इन। तो इतने सारे स्टेप्स है, तकरीबन 9 स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करना है, step 1 से लेके step 9 तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे वही सब तमाम डिटेल्स जो आपने डाले हुए हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको इसको एक बार चेक कर लेना ये सब सही है क्या, और उसके बाद यू कैन क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड। अब यहाँ पे कैंडिडेचर के टाइप है अलग अलग, type A, B, C, D, E, ये टाइप्स क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आप अदर देन महाराष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र के बाहर आपका जन्म हुआ है और आपकी 10th 12th भी महाराष्ट्र के बाहर हुई है, तो आप OMS डालिए। अगर आप महाराष्ट्र के अंदर आपका बर्थ हुआ है, आपकी 10th 12th यहाँ से हुई है, तो आप कैंडिडेचर type A है। और फिर type A, type B में बहुत सारी चीज़ें दी गई है। जैसे आप देखना कि type A में उन्होंने दिया है कैंडिडेट पासिंग SSC and HSC फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एंड मतलब ये एक और कंडीशन है, द कैंडिडेट हु इज द डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। तो अगर आपका बॉर्न महाराष्ट्र में हुआ है बर्थ तो ठीक है, अदरवाइज एटलीस्ट आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अगर सेटिस्फाई करते हैं तो यू विल बी ए महाराष्ट्र type A कैंडिडेचर। type B में ऐसे व्यक्ति जिनका जो जन्म है वो महाराष्ट्र से, द फादर और मदर ऑफ कैंडिडेट इज डोमिसाइल्ड इन द स्टेट, लेकिन वो जो खुद स्टूडेंट है वो महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है और उन्होंने अपना SSC और HSC महाराष्ट्र से पास किया है। फिर type C में
कंडीशन नंबर वन वही है, द फादर और द मदर ऑफ द कैंडिडेट इज एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत सारे ट्रांसफर्स होते रहते हैं, तो दैट इज द रीजन कि ये अलग से कैटेगरी तैयार की गई है। टाइप डी में अगर आप जाओगे तो फादर ऑफ द मदर ऑफ द कैंडिडेट इज एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग, ठीक है। और फिर बाद में टाइप ई, पहला वाला कंडीशन ये है कि कैंडिडेट पासिंग एस एस सी एंड एच एस सी फ्रॉम द रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अ डिस्प्यूटेड महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया। बेसिकली जो महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स है कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को लेके, उसमें अगर आपका जन्म हुआ है तो वहां पे ये पर्टिकुलरली आपको क्लिक करना है, ठीक है। द कैंडिडेट्स मदर टंग शुड बी आइदर मराठी एंड कैंडिडेट शुड हैव अ डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम महाराष्ट्र और डिस्प्यूटेड महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया, ठीक है। तो ये आप डाल सकते हैं। फिर जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट, ये आपको मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और ओएमएस मैंने आपको बताया, द कैंडिडेट हैविंग इंडियन नेशनलिटी एंड पासिंग एचएससी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप ए प्रेस कर रहा हूँ, फाइन। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे ओपन एससी एसटी डीटी विमुक्त जाति बीजे NT1 NT2 NT3 ओबीसी और एसबीसी, इतने ऑप्शंस है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसको केयरफुली आप फील करिए, क्योंकि एक बार आपने इसको कंफर्म किया और फॉर्म सबमिट कर दिया तो आपको उसमें चेंजेस करने का मौका नहीं मिलेगा। देन इन दैट कंडीशन आपको फिर से नया फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। आपने ओपन कैंडिडेट डाल दिया, एज ऑफ दिस मोमेंट मैं ओपन डाल रहा हूँ। यहाँ पे एंटर कास्ट नेम कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड फिलहाल मैं टेस्ट डाल रहा हूँ। डू यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस? अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, जैसे एक साल के लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको मिलता है, और इसमें रूल्स और रेगुलेशन ऐसे रहते हैं कि आपकी फैमिली का इनकम ये 8 लाख रुपए के नीचे होना चाहिए, प्लस यहाँ पे आपकी जो फ्लैट है या प्रॉपर्टी है ये 1000 स्क्वायर फीट के नीचे होनी चाहिए, ऐसे कुछ कुछ क्राइटेरियाज है। अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट होते हो तो यू हैव टू अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर नहीं होते हो तो आप इसको अप्लाई मत करना, ठीक है। विच एवर माइट बी एप्लीकेबल, फिलहाल मैं उसको नो डाल रहा हूँ। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी? अगर आप यस करते हैं तो फिर यहाँ पे वो पूछेगा कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, ठीक है। जैसे डीफ है, डॉर्फिज्म है, या फिर हार्ड ऑफ हियरिंग है, लो विजन है, ठीक है, मेंटल इलनेस है, कुछ भी है, विच एवर इज एप्लीकेबल, वो उसका आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो नहीं है तो यू हैव टू क्लिक ऑन नो, ओके। आर यू पर्सन डिसेबिलिटी? नो, आपने डाल दिया। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी? अब आप देखिए कि यहाँ पे दो टाइप्स की माइनॉरिटीज आती है। एक रहता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जैसे गुजर गुजराती, गुजराती जैन, गुजराती कच्छी, हिंदी हिंदी भोजपुरी, कन्नड़ा मलयालम, पंजाबी सिंधी तमिल एंड उर्दू, ओके। इतनी सारी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एनलिस्ट की गई है। अब इसमें से गुजराती हिंदी कन्नड़ा देन सिंधी एंड आई थिंक यस, इतने सारे जो लैंग्वेजेस है उसके लिए कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स है, कुछ कॉलेजेस है महाराष्ट्र में जिसमें रिजर्वेशन एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का रिजर्वेशन जिस कॉलेज में एप्लीकेबल होगा वहां पे 50% सीट्स उस कम्युनिटी को या उस लैंग्वेज स्पीकिंग लोगों के लिए रिजर्व रहती है। जैसे 100 में से 50 सीट जो है वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए रिजर्व रहेंगी, और वहां पे उसी कम्युनिटी के बच्चे बच्चों के साथ उनका कंपटीशन होगा, और बची हुई जो आधी सीटें हैं वो सबके लिए ओपन रहेंगी। तो कट ऑफ में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन ध्यान रखना कि ये पर्टिकुलरली बेनिफिट आपको उसी कॉलेज में मिलेगा जो कि माइनॉरिटी कॉलेज है। ऐसे जो कॉलेज जहाँ पे माइनॉरिटी का कोई कोटा नहीं है वहां पे ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम कि फिलहाल तो मैं इसको नो कर रहा हूँ, ठीक है फिलहाल। अच्छा, एक और चीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी तो हमने समझ लिया, अगर आप इसको नहीं बिलोंग करते बट इफ यू आर फ्रॉम अ रिलीजियस माइनॉरिटी तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। बुद्धिस्ट, ये रिलीजन के आधारित है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन रोमन कैथलिक, फिर जैन मुस्लिम पारसी सिख और जोरोस्ट्रियन। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर एनी ऑफ द एप्लीकेबल ऑप्शन, ठीक है। फिलहाल मैं इसको नो कर रहा हूँ दोनों को, तो नो करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो ऑप्शन है वो हट जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आपका 12वीं है तो 12वीं, एचएससी है तो एचएससी, इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, विच एवर माइट बी द केस आप डाल सकते हैं। इन माई केस इट वॉज इंजीनियरिंग डिप्लोमा, आपकी केस में वो एचएससी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये वीडियो हम लोग स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं तो इसके लिए फिलहाल के लिए मैं एचएससी डाल रहा हूँ, ठीक है। एचएससी कर दिया मैंने, सेव एंड प्रोसीड कर दिया। अब सबसे पहले वो 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स आपको पूछेगा एसएससी, तो ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। नाउ इसमें आपका कौन सा बोर्ड है आपको सिलेक्ट करना है, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड का नेम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, फिर बाकी सब जो फील्ड है ग्रे कलर के वो कुछ पूछेंगे नहीं।
मार्क आपको कितने मिले हैं, जैसे लेट अस अज्यूम कि आई हैव रिसीव 500 मार्क्स आउट ऑफ 750, ठीक है, तो ये 66.67% है। अगर मान के चलिए कि यहाँ मेरा, यहाँ पे मेरा स्कोर 45% के नीचे आता है, ठीक है, 33.33, तो देन इट इज अ इशू, क्योंकि इस एग्जामिनेशन के लिए क्राइटेरिया ये है 45% होने चाहिए। लेकिन ये क्राइटेरिया 10th स्टैंडर्ड का नहीं है, 12th स्टैंडर्ड का है। तो 10th स्टैंडर्ड में अगर आपका स्कोर कम है इट इज ओके, बट 12th स्टैंडर्ड में वो 45% के लिए या उसके ऊपर होना चाहिए फॉर ओपन कैटेगरीज, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको डाल रहा हूँ मार्क्स टॉप 10, 500 आउट ऑफ 750, सीट नंबर जो भी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर क्लास लेट अस अज्यूम कि इट इज अ फर्स्ट डिविजन, पासिंग ईयर लेट अस अज्यूम कि ये हमने किया है, जनरली जो रिजल्ट आते हैं वो जून में आते हैं, ठीक है, जून ऑफ 2000 हमने बर्थ ईयर रखा है। मैं ये बस हाइपोथेटिकली आपके लिए भर रहा हूँ ताकि आपको ये सुविधा हो जाए, ठीक है। इसको मैंने 2016 कर दिया, सेव कर दिया मैंने। नाउ यहाँ पे अभी एचएससी का मेरे को ये पूछ रहा है एड क्वालिफिकेशन, आई विल क्लिक ऑन दैट। यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र डाल दिया, यहाँ पे बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन पुणे, स्ट्रीम लेट अस अज्यूम कि मैंने आर्ट्स डाल दिया, ठीक है, फिर अपियर्ड या पास। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे जो स्टूडेंट है जो इस साल 12th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अभी उनका एग्जामिनेशन ऑन गोइंग है, तो वो लोग उसको अपियर्ड या पास कर सकते हैं, अपियर्ड कर सकते हैं, ठीक है, कि मैंने अपियर किया है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो भले आपकी एग्जाम खत्म नहीं हुई है बट आप अपियर डाल देना, ओके। तो यहाँ पे सीट नंबर, मार्क्स ऑब्टेंड, आउट ऑफ मार्क कुछ नहीं पूछेगा क्योंकि अभी तो आपकी एग्जामिनेशन ऑन गोइंग है। लेकिन आप अगर पास डालोगे, ठीक है, तो फिर यहाँ पे सब चीजें पूछना शुरू करेगा। फिलहाल आपके सुविधा के लिए हम लोग अपियर डाल रहे हैं, ठीक है, और ये सब फील्ड ब्लैंक हो गए। अब मैंने सेव कर दिया, अब यहाँ पे ये डिटेल्स आ गए, मतलब यहाँ पे आप देखना कि अपियरिंग आ रहा है, अपियर मतलब अपियरिंग ही आ रहा है, और जब भी मेरे एक्चुअल रिजल्ट आ जाएंगे तब सब चीजें मुझे यहाँ पे फिलिंग करनी है। सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर, जैसे आई लिव इन थाने तो सबसे पहला मेरा जो है ऑप्शन वो थाने रहेगा। अब जो ओएमएस कैंडिडेट है उनको मैं बता दूं कि ऐसे भी बहुत सारे सेंटर्स हैं जो आउट ऑफ महाराष्ट्र आते हैं, जैसे बिहार राज्य में पटना, छत्तीसगढ़ में रायपुर, दिल्ली में दिल्ली खुद, गोवा में पणजी, गुजरात में अहमदाबाद, जम्मू कश्मीर में जम्मू एंड सांबा, झारखंड में रांची, कर्नाटक में बैंगलोर, उसके बाद मध्य प्रदेश में भोपाल, राजस्थान में जयपुर, तेलंगाना में हैदराबाद, उत्तर प्रदेश में लखनऊ एंड वेस्ट बंगाल में कोलकाता। दीज आर दी ऑप्शंस, ठीक है। ये ऑप्शंस आप बहुत ध्यान से डालना, बहुत ठीक से डालना, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ गलती हो गई और यदि अगर वो पर्टिकुलर सेंटर आपको अलॉट हो गया तो आपको वहीं पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने दिया है, द कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर आउट ऑफ स्टेट सेंटर शुड नोट दैट सेंटर चोजन कैनॉट बी गारंटीड, ठीक है, वो थोड़ा बहुत बदल सकता है। कैंडिडेट टू नोट सेंटर्स गिवन इन द ऑप्शंस मे नॉट बी अवेलेबल इफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मोस्ट प्रोबेबली आपको वो पर्टिकुलरली सेंटर मिल जाता है, अगर आप फॉर्म बहुत देरी से लेट भर रहे हो 10 या 11 तारीख को, तो फिर शायद ऐसा हो सकता है कि जो आपने ऑप्शन दिए हैं वो छोड़ के कोई और सेंटर आपको मिले। तो आपको यहाँ पे तीन चॉइसेस देने हैं जिसमें से ऑब्वियसली एक ही कोई सेंटर आपको मिलेगा, ठीक है। तो थाने मैंने ऑप्शन चूज कर दिया, फिर दूसरा मुंबई मैंने सबर्बन चूज कर दिया, ठीक है, और तीसरा मुंबई मैंने सिटी चूज कर दिया। आप इसके जगह पे नवी मुंबई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई आई गेस न्यू मुंबई या नवी मुंबई ऑप्शंस में शायद नहीं दिया है, ठीक है, इट इज नॉट गिवन, वो थाने डिस्ट्रिक्ट में ही मोस्ट प्रॉब्ली आ सकता है। तो देर आर थ्री ऑप्शन विच यू कैन सिलेक्ट, ठीक है, थाने, मुंबई सबर्बन एंड मुंबई सिटी, बट आप जहां पे रहते हो उस हिसाब से आपको इसको फिल इन करना है। सेवन प्रोसीड मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये दोनों चीजें अपलोड करनी है। जैसे सिलेक्ट अपलोड टाइप, यहाँ पे मैंने फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक किया। अब राइट हैंड साइड में एक अपलोडिंग विंडो आ गई है, तो इसके ऊपर मैंने ओपन बटन के ऊपर क्लिक किया। अब ये पूछेगा अभी कि कौन सी फाइल आपको सिलेक्ट करनी है, तो मैंने अपना फोटो जो है वो अपलोड कर दिया, मतलब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अपलोड बटन क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सिग्नेचर के ऊपर मैं जाता हूँ, ओपन करता हूँ, फिर यहाँ पे सिग्नेचर का कोई भी एक पर्टिकुलरली ऑप्शन, जैसे याद रखना कि आपका फोटो और आपकी जो सिग्नेचर है वो पहले से ही आपके पास स्कैन होके होनी चाहिए, ठीक है, उसको आपको 8 KB के अंदर उसको रखना है। यहाँ पे मैंने सिग्नेचर, कोई मेरे पास ऑलरेडी उसका फोटोग्राफ था उसको मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है, तो फोटो सिग्नेचर दोनों आ गए। नाउ सेव एंड प्रोसीड के ऊपर मैंने क्लिक किया, फिर यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपका एक आईडी प्रूफ चाहिए,
ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप, सॉरी इंस्ट्रक्शंस आप एक बार पढ़ लेना कि टाइप्स कौन से फाइल के टाइप्स अलाउड है, पीडीएफ, जेपीजी, जेपेग एंड पीएनजी। मैक्सिमम साइज कितनी होनी चाहिए, 500 KB। तो यदि अगर आपका ऐसा मोबाइल फोन है जो कि बहुत ही ज्यादा है मेगापिक्सल्स की टर्म्स में, तो फिर उसका जो फोटोग्राफ का साइज है वो बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है, इसके लिए यू मेक श्योर कि आप 500 KB के अंदर वाला फोटो या स्कैन डॉक्यूमेंट उसको अपलोड करें। तो यहाँ पे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर लोग आधार कार्ड अपलोड करते हैं, तो आई एम क्लिकिंग ऑन आधार कार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। अपलोड विंडो के ऊपर आपको जाना है, अपलोड, फिर प्रोसीजर वही है, ओपन के ऊपर मैं गया, फिर यहाँ पे मैंने सर्च विंडो में आधार कार्ड टाइप किया, तो आई हैव माई आधार कार्ड स्कैन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो उसके पहले ये डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में होने चाहिए। ठीक है, इसको मैंने अपलोड कर दिया। अब सेव एंड प्रोसीड यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए अपलोड होने के बाद व्यू ऑप्शन आएगा, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसको सेव एंड प्रोसीड कर रहे हैं। अब जो भी डिटेल्स आपने भरे हैं तमाम वो सब यहाँ पे आ गए। ठीक है, जैसे टेस्ट है, फिर आपका जेंडर, रिलीजन, मदर टंग, ऑल द डिटेल्स विच यू हैव फिल्ड। ओके, सो दिस इज हाउ योर पर्टिकुलर एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेशन फॉर्म लुक्स लाइक। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे चाहिए, फिर यहाँ पे आर यू श्योर टू गो फॉर द पेमेंट, यस करेंगे, पेमेंट का विंडो खुल जाएगा, और वहां पे आपको पेमेंट होने के बाद फिर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। ठीक है, तो इसकी जो फीस है वो 800 रुपीज है फॉर ओपन कैटेगरी, एंड फॉर एससीज एंड एसटीज एंड आई थिंक फॉर ओबीसीज इट इज 600 रुपीज। एक बार चेक कर लेना कितनी है, बट वही मिनिमम 600, मैक्सिमम 800, इसके बियॉन्ड फीस नहीं रहेगी। तो इन शॉर्ट दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फिल अप योर फॉर्म। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया रहेगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9820245424। यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।